अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको यूनिक स्टाइल बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, जो कि कराची की मशहूर बिरयानी है, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी यूनिक स्टाइल में। तो इसके लिए मैंने जो है पुदीना ले लिया, ठीक है, और 1 किलो मैंने टमाटर ले लिए। इसको हम जूसर मशीन में डालेंगे और ग्राइंड कर देंगे। मैं जूसर मशीन में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने इसमें डाल दी है, पुदीना और टमाटर को। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला और इसमें जाएगा पानी और इसको इसका पेस्ट बना लेते हैं। इन तमाम चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तकरीबन मैंने 5 किलो चिकन ले ली। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। आप देख सकते हैं 5 किलो मैंने चिकन ले ली। अब मैं इसमें डालूंगी नेशनल बिरयानी मसाले के 3 पैक, डेढ़ पैक मैंने एक पतीले में डाला और डेढ़ पैक एक पतीले में। आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने। अब हम इसमें कुछ घरेलू मसाले भी यूज़ करेंगे। मैं 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी, हसबे साई का नमक डालेंगे क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, इस वजह से थोड़ा सा भी डालना है आप लोगों ने। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर इसमें डालेंगे 1 चम्मच, और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 4-4 चम्मच डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तमाम मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, 2 घंटे के लिए ढक देंगे, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। एक पतीला ले लिया मैंने, ठीक है, उसमें जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज। तकरीबन मैं 10 किलो का एक पतीला दिया मैंने, क्योंकि 5 किलो मेरे पास चिकन है तो मैं 5 ही किलो इसमें चावल डालूंगी। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल इतना लिया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, 1 किलो मैंने प्याज इसमें डाल दी। प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। अब इसमें डाल दिया साबुत गरम मसाला ताकि प्याज के साथ इसकी भी खुशबू आना शुरू हो जाए। मिक्स साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, तेज़पात, दालचीनी वगैरह। प्याज हमारी तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई चिकन, जो कि मैंने 2 घंटे पहले रख दी थी। तमाम चिकन मैंने इसमें डाल दी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दो मिनट इसको ढक के रख देंगे।
दो मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब हम बाकी के स्टेप करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इतना आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम लोगों ने जो टमाटर और पुदीने की बनाई थी चटनी वो इसमें डाल देंगे। और इसको भी दो मिनट पकाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। दस से बारह मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी। ऑयल जो है तकरीबन ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया, तकरीबन 5 से 6 अदर लेमन थे, और इसको कर दिया मिक्स। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, तकरीबन 1 किलो मैंने दही मंगवाया था, लेकिन इसमें से मैंने 3 पाव दही डाल दी इसमें, और इसको कर देंगे मिक्स। बहुत अच्छी तरह से चम्मच चलाना है, दही को इसमें मिक्स कर देना है बहुत अच्छी तरह से, और उस वक्त तक भूनना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। कवर करके रख देंगे। 2 मिनट के बाद जो है आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पाँच किलो चावल हैं तो जो मेरे पास प्याले हैं वो आधे आधे किलो के हैं, तो इसके हिसाब से मैं 10 प्याले पानी के डालूंगी, क्योंकि मैंने जो है चावलों को भी भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी पानी में, क्योंकि बॉयल आना शुरू हो चुका था। पाँच किलो चावल मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे चावलों को। मैंने जो है कलर बनाया है रोह केवड़ा का पानी यूज़ किया है मैंने, खुशबू के लिए ये यूज़ किया है मैंने। अब हम चावलों पे डाल देंगे इसको। चावलों पे मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब हम इसको दम पे रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। मैं तवे का इसको दम दूँगी,
10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। 10 मिनट वेट कर, 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, अब हम हटाएंगे। माशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी